हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज फिर एक नई गाड़ी के राजों से पर्दा हटाते हैं और जिस कार की आज हम बात करने वाले हैं वो इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर कार है और ये मशहूर अपने फीचर्स को लेकर नहीं बल्कि अपने रफ एंड टफ लुक से ज्यादा फेमस है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं टाटा सुमो की। कुछ लोग इसे माफिया कार भी कहते हैं। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ग्रेट वीडियोस रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल। तो शुरू करते हैं ऐसे 10 फैक्ट्स टाटा सुमो के बारे में जो शायद ही आप जानते हों। फैक्ट नंबर वन, फर्स्ट प्रोडक्शन। टाटा सुमो का सबसे पहले जन्म 1994 में हुआ था, लेकिन मैं एक चीज में कंफ्यूज हूँ, वो आप बताएं कमेंट में कि टाटा सुमो एक एसयूवी है या एमयूवी यानी मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। वैसे मुझे तो एसयूवी ही लगता है क्योंकि शुरुआत में इसे मिलिट्री और ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के लिए ही डिजाइन किया था। टाटा सुमो टेल्कोलाइन X2 बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म पर डिजाइन की गई है और इसमें कई फीचर्स थे जैसे सेल्फ लॉकिंग, डिफरेंशियल, मैनुअल ब्लॉक, फ्रंट हब्स और फ्रंट में डिस्क ब्रेक थे और रियर में ड्रम ब्रेक्स। फैक्ट नंबर टू, फर्स्ट इंडियन पैसेंजर व्हीकल। 1992 में टाटा मोटर्स ने सबसे पहला अटेम्प्ट करा पैसेंजर कार बनाने का, जिसे टाटा एस्टेट कहते हैं। लेकिन टाटा सुमो इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर व्हीकल थी जो डिजाइन इंडिया में ही हुई थी और इसमें 9 सीट कॉन्फिगुरेशन था और उस टाइम पर ये रूरल एरियाज और टैक्सी में बहुत फेमस हुई। और मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हम अपनी नाना नानी के यहाँ इसी टाटा सुमो टैक्सी से जाते थे। तो ये बहुत ही रिलायबल एंड एफिशिएंट पैसेंजर कार है और अभी भी इसे बहुत लोग पसंद करते हैं और वैसे अपने टाइम की चीज़ ही है टाटा सुमो। और आपने इसे साउथ की मूवीज़ में उड़ते हुए तो ज़रूर देखा होगा। फैक्ट नंबर थ्री, 4x4 मॉडल ओनली सोल्ड फॉर फ्लीट्स एंड इंडियन आर्मी। टाटा सुमो का एक 4x4 मॉडल भी था अगर आपको पता हो तो, लेकिन वो सिर्फ इंडियन आर्मी को ही सोल्ड होती थी। 4x4 मॉडल किसी सिविलियन और आम आदमी के लिए नहीं थी, उनके लिए टाटा सुमो सिर्फ रियल व्हील ड्राइव में ही अवेलेबल थी, लेकिन एक्सपोर्ट्स मार्केट में 4x4 सोल्ड की जाती थी जैसे अर्जेंटीना में। फैक्ट नंबर फोर, हाउ इट्स गॉट्स इट्स नेम। टाटा सुमो का नाम सुमो कैसे आया? आपको क्या लगता है कि टाटा सुमो का नाम जापान के सुमो रेसलर की वजह से रखा गया है? लेकिन ऐसा नहीं है। टाटा सुमो का नाम टाटा मोटर्स के फॉर्मर MD सुमंत मुलगांवकर के ऊपर रखा गया था। सुमंत मुलगांवकर सर जी के नेम से दो अल्फाबेट उठाकर नाम रखा सुमो, जो इस गाड़ी पर सूट भी बहुत करता है इसके बल्कि अपीयरेंस की वजह से। फैक्ट नंबर फाइव, इवोल्यूशन। टाटा सुमो की इवोल्यूशन की बात करें तो इसकी टोटल 5 जनरेशंस आ चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट जनरेशन जो 1994 से 2000 के मॉडल्स को कहते हैं और इस जनरेशन के मॉडल्स का नाम टाटा सुमो ही था। सेकंड जनरेशन में 2000 से 2011 तक के मॉडल्स आते हैं और इस जनरेशन के मॉडल्स का नाम टाटा सुमो स्पेशियो था। थर्ड जनरेशन में 2004 से 2011 के मॉडल्स आते हैं और इस जनरेशन के मॉडल्स का नाम था टाटा सुमो विक्टा। रही बात फोर जनरेशन की, तो फोर जनरेशन टाटा सुमो का एक अलग ही अवतार था जिसे कहते थे टाटा सुमो ग्रैंडे, जो 2008 से 2016 तक प्रोडक्शन रन में रही। और बात करें फिफ्थ जनरेशन की तो इसमें आती है टाटा सुमो गोल्ड, जो अभी तक प्रोड्यूस हो रही है। 2011 से इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी। तो आगे इन जनरेशन में डिटेल्स में बात करते हैं क्योंकि इन्हीं में तो सारे राज छिपे हैं। फैक्ट नंबर सिक्स, फर्स्ट जनरेशन। टाटा सुमो की फर्स्ट जनरेशन की प्रोडक्शन 1994 में स्टार्ट हुई, जो 9 सीटर थी और इसे डिज़ाइन उस टाइम मिलिट्री और ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पर्पज़ की वजह से करा था और इसकी सेल भी बहुत तेज़ी से हुई। अपने लॉन्च होने के 3 साल के अंदर टाटा मोटर्स ने 1 लाख से ज़्यादा टाटा सुमो सेल कर दी थी। इसमें 2.0 लीटर का पैगेट से मांगा हुआ XD88 नेचुरल एस्पिरेटेड डीजल इंजन था जो टाटा मोटर्स मैन्युफैक्चर करती थी और ये 63 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था और इसमें 2 वाल्व्स पर सिलेंडर थे और इनडायरेक्ट इंजेक्शन था, क्योंकि डायरेक्ट इंजेक्शन उस टाइम पर बहुत मुश्किल था इंडिया में आना उस टाइम पर। और साथ में इसका जोड़ीदार 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और फिर 1996 में टाटा सुमो को अपडेट करा गया जो पिछले मॉडल से रिफाइंड थी, जिसका नाम था टाटा सुमो डीलक्स। और 1998 में टाटा सुमो में टर्बोचार्ज डीजल इंजन आ गया, लेकिन वो सिर्फ बाहर की मार्केट यानी एक्सपोर्ट के लिए था। इंडिया में तो 2001 में टर्बोचार्ज डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन आया टाटा सुमो डीलक्स में। फैक्ट नंबर सेवन, सेकंड जनरेशन। टाटा सुमो की सेकंड जनरेशन में लॉन्च हुई टाटा सुमो स्पेशियो सन 2000 में और इसमें 3
6.0 लीटर का इंजन था जो टाटा 407 से लिया गया था। और टाटा 407 को तो आप जानते ही हो, वही अपना लाइट कमर्शियल ट्रक नहीं जानते तो हम किस लिए बैठे हैं, हम बताएंगे आपको। और फिर इसके बाद इसी जनरेशन में एक सॉफ्ट टॉप मॉडल भी आया, टाटा सुमो स्पासियो एसटी, और एसटी का मतलब सॉफ्ट टॉप। और 2007 में इसे फिर अपग्रेड मिला टाटा सुमो स्पेशियो गोल्ड प्लस के नाम से, जिसमें जो 70 हॉर्स पावर और 223 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। फैक्ट नंबर 8, थर्ड जनरेशन। इस जनरेशन में 2004 में लॉन्च हुई सुमो विक्टा, जो टाटा सुमो स्पेशियो का फेसलिफ्ट था। और इसमें न्यू फीचर्स थे जैसे टैकोमीटर, मल्टीफंक्शनल इंस्ट्रूमेंट पैनल, पावर स्टीयरिंग, ऑल डोर्स, पावर विंडो, कीलेस एंट्री एटसेट्रा। फिर 2007 में इसे अपग्रेड किया गया, जिसका नाम था टाटा सुमो विक्टा टर्बो डीआई, और इसे टाटा सुमो विक्टा टीडीआई भी कहते थे। इस बार इस सुमो में स्पेयर व्हील रियल टेलगेट से हटा दिया गया और उसकी जगह अंडरबॉडी में दे दी। और ये मॉडल 7 और 9 सीट कॉन्फ़िगरेशन में आता था और ये काफ़ी फेमस हुई प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स में और कॉन्ट्रैक्ट टैक्सी में, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम थी और फ्यूल इकोनॉमी भी ठीक ठाक थी इस टाइप के व्हीकल के हिसाब से। फैक्ट नंबर 9, फोर्थ जनरेशन। टाटा ने सुमो को एक नए ही अंदाज में लाने की सोची टाटा सुमो ग्रैंडे, जो 10 जनवरी 2008 में लॉन्च हुई। वो इसे टाटा सफारी के नीचे सेगमेंट में रखना चाहते थे। इसमें 2.2 लीटर का डाइकोर इंजन था जो 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। इसका बॉडी वर्क बिल्कुल ही डिफरेंट था पिछली जनरेशन से। फिर 2010 में इसका एक और मॉडल आया, सुमो ग्रैंडे एमके सेकंड नाम से। लेकिन 2011 में टाटा ने इस जनरेशन से सुमो नाम हटा दिया और इसका नाम टाटा ग्रैंडे और टाटा मोवस हो गया। फैक्ट नंबर 10, फिफ्थ जनरेशन। नवंबर 2011 में टाटा ने लॉन्च करी टाटा सुमो गोल्ड, जो फेसलिफ्ट था टाटा सुमो विक्टा का। और इसमें CR4 3.0 लीटर इंजन था जो डाइकोर भी कहलाता था, और 85 हॉर्स पावर है और 25 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसमें भी कुछ न्यू फीचर्स थे और इस जनरेशन का लास्ट फेसलिफ्ट अक्टूबर 2013 में आया है और जब से ऐसे ही प्रोड्यूस हो रही है अभी तक। और अभी इसकी सेल की बात करें तो 500 से 800 यूनिट ही बिक पाते हैं पर मंथ के हिसाब से इस वक्त। और इसका कॉम्पिटिटर महिंद्रा बोलेरो की सेल इससे 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन कुछ भी कहो, टाटा सुमो अपने ज़माने की किंग ऑफ रोड है, यानी कि हटो बचो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो झकास लगी हो, तो वीडियो लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।